ग्रेटर नोएडा से दो बच्चे 6 अक्टूबर से लापता हैं। ये दोनों बच्चे सगे भाई हैं। वहीं एक साथ दो बच्चों के गायब होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक बच्चे की उम्र 9 साल है तो दूसरे की 11 साल। बच्चों के पिता ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में गार्ड का काम करते हैं। लॉकडाउन से पहले ही वो अपने दोनों बच्चों को अपने गाँव मैनपुरी से लेकर आए थे। घर के गेट में ताला लगा हुआ था और इस मामले में एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें दोनों बच्चे दीवार कूदते हुए नजर आ रहे हैं। घर वालों के मुताबिक 6 अक्टूबर को ही पुलिस को शिकायत दे दी गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन सवाल यह है कि 13 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली। सुशांत नागपाल हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर तमाम जानकारियां देंगे। सुशांत, दो सगे भाइयों के लापता होने की खबर सामने आई है और इससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि 13 दिन इसको बीत गए हैं। 13 दिनों के बाद भी यूं कहें कि पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं, क्यों? जी बिल्कुल, शाहपुर गांव का मामला है जो 49 थाने के अंतर्गत आता है। यहाँ दो बच्चे सगे भाई जो हैं, ये दोनों रिश्तेदार 13 दिन से, पर पुलिस कुछ भी कर नहीं पा रही है इस मामले को लेकर। 13 दिन पहले ये बच्चे अपने घर के बरामदे में खेल रहे थे, पर देखते ही देखते ये माँ बाप की आंखों के सामने जब ओझल हो गए तो परिजनों ने और परिवार वालों ने पुलिस को 13 दिन पहले कंप्लेन लिखवा दी थी, लेकिन अब तक इस चीज पर कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है। ये कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है जिसके प्रति माँ बाप रोज धरना प्रदर्शन करके इसका संज्ञान दे रहे हैं। जी, वहीं दूसरी तरफ सुशांत, माँ बाप की तरफ से क्या किसी तरीके की कोई जानकारी, कोई क्लू मिल पाया है कि उनके हिसाब से बच्चे कहाँ गए होंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो घर की दीवार फांदते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जब हमने माँ बाप से इस बात की जानकारी करनी चाहिए तो पता लगा कि उनकी किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई आपसी विवाद नहीं था किससे कि बच्चों को किडनैप करे, लेकिन उनने पुलिस को जो कंप्लेन लिखवाया था उसमें लिखवाया गया था कि बच्चों को किडनैप करा गया है। लेकिन फिर बाद में एक तरफ जब सीसीटीवी फुटेज मिली तब पता लगा कि बच्चे अपनी मर्जी से फेंसिंग पार करके भागने का प्रयास करते दिखे हैं, जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया सुशांत आपका।